हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होंगे। सो गाइस, वीडियो सेकंड पार्ट आ चुका है और यहाँ पे बारात निकलने वाली है, क्योंकि मैंने अभी तक जो दिखाया था मतलब भंडारा वगैरह जो होता है वो है, और यहाँ पे बारात निकल रही है। तो बारात की थोड़ी थोड़ी क्लिप मैंने मतलब ऐड की हुई है, क्योंकि मैंने बनाई है, क्योंकि आप पता है कि घर में शादी वगैरह होता है तो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो किसी से मैंने बनवाया था। तो छोड़, और हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ यहाँ पर मतलब लड़की के घर वालों ने बारात टिकाई थी, मतलब रखी थी, या कुछ भी कह लीजिए, स्कूल में जो, तो यहाँ लखनलाल स्कूल है जहाँ मेरा कॉलेज है, क्योंकि ये शादी भी हमारे गांव से ही हो रही है, मतलब मेरे ही मतलब जहाँ से मैं हूँ वहीं से हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग बारात आ चुके हैं लेडीज़ों की, आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ पे द्वार पूजा भी स्टार्ट हो चुका है। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिएगा और इन्जॉय बहुत करेंगे आप इस वीडियो में, तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और हम लोगों ने डांस वगैरह खूब ज़्यादा किया था, तो ये देखिए कितना पसीना पसीना हो रहा है। और यहाँ मेरे अंकल जी, दादा जी सब बैठे हुए हैं, क्योंकि बारात में सब शामिल हुए थे मेरी शादी में, तो अब चेहरे से ही लग रहा है कितना ज़्यादा पसीना वगैरह हो गया था। और यहाँ पे द्वार पूजा तो हो ही रहा है, और वहाँ मतलब लेडीजे लड़कियों की साइड से, यहाँ मैंने अब खुद से वीडियो बनाया था क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स महसूस किया, उसके बाद यहाँ पर हो रहा है डांस, तो शादी में डांस तो बनता ही भाई। तो आप लोग ऐसे ऐसे क्लिप आपको देखने को मिलेगी, आप एंजॉय भी करेंगे और बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा शुरू से अंत तक। और यहाँ पे डांस हो रहा है, थोड़ा सा मैंने इसको म्यूट कर दिया, क्योंकि आप लोग को पता है कि कॉपीराइट ज़्यादा आ जाती है। तो मैं कैसे लग रही थी ज़रूर मुझे बताइएगा। और शुभम शुक्ला जी हैं एक, उनका रिक्वेस्ट आता कि आप वीडियो डालिए, तो मैंने सोचा कि आज मैं डाल ही देती हूँ। यहाँ इधर डांस वगैरह मतलब द्वार पूजा होने के बाद खूब ज़्यादा, इतना ज़्यादा डांस हुआ कि क्या बताएं। यहाँ पर वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, क्योंकि क्लिप थोड़ी सी लंबी हो जाती है इस वजह से। और खूब डांस, इतना ज़्यादा डांस हुआ है अभी, मतलब लड़की के घर वाले भी आएंगे, उनकी भाभी वगैरह, उनके सिस्टर वगैरह, अब भी आगे बने रहिए, बस आने वाले हैं। यहाँ पे मेरे बच्चों ने भी, आराध्या ने भी डांस किया था, खूब ज़्यादा इंजॉय हम लोग किए थे। और पता है कॉपीराइट आ जाती है इस वजह से, थोड़ी सी मैंने जो गाने का सॉन्ग है वो मैंने डाला हुआ है, कि हो सकता है अभी भी कॉपीराइट आ सकता है। तो ये देखिए यहाँ पे उनकी भाभी अभी आ चुकी हैं, ये देखिए जो पिंक दुपट्टे में मतलब कर रही हैं। अभी मैं आप लोग को अच्छे मतलब दिखाऊंगी फेस टू फेस, क्योंकि अभी वीडियो जो बना रहा था ना वो पीछे से बना रहा था, तो फेस नहीं आ रहा है, हम ही लोग का आ रहा है और मतलब उनका नहीं आ रहा है, भाभी जी का। तो यहाँ पे मेरी ननद बुआ ये सब हैं, और इनकी सिस्टर भी आ चुकी हैं डांस वांस, और आप देख रहे हैं कितना मज़ा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था, बहुत बहुत ज़्यादा। तो शादी वादी में वैसे भी एंजॉय करते हैं ये सब लोग, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ऐसे ही मेरे चैनल पर जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, वैसे सपोर्ट बनाए रखिएगा। और प्लीज़ प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करिए मेरे चैनल पर, कोई भी मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कैसे कैसे वीडियो चाहिए वो भी बताइएगा। तो ये भी हैं यहाँ पे मतलब भाई मेरा और हस्बैंड, यहाँ पे सब, यहाँ क्या हो रहा था कि डीजे का थोड़ा थोड़ा गाना ऐसे ना सब डांस वांस करने का वो मूड बनाया कि हाँ भाई अच्छे से करेंगे, तब तक तो बीच में बंद कर देते थे, बस यही सारी दिक्कत थी। और यहाँ पर आप लोग देख ही रहे डांस वगैरह खूब ज़्यादा मस्ती। और यहाँ पर आप देखेंगे ब्राउन शर्ट में कैप लगा के मेरे जिटजी हैं, उनका डांस बहुत अच्छा रहता है, बहुत गजब का डांस करते हैं, सबका डांस आप मतलब इनका देखेंगे ना तो आप लोग को लगेगा हाँ भाई कोई है डांसर जो इतना गजब का डांस करता है। अभी तो इनको मज़ा उतना वैसे ही कर रहे थे, क्योंकि ना इनके टाइप का कोई ना गाना लग रहा था, ना कोई इनके साथ तो मतलब था कि जो डांस इनके साथ कर पाए इस वजह से। और किसी दिन अगर टाइम मुझे मिला, कुछ मेरे यहाँ फिर फंक्शन वगैरह हुआ, अगर वो डांस करेंगे तो मैं आप लोग को फुल लाइव दिखाऊँगी। तो जो भी है आज के लिए यही है, और थोड़ा सा यहाँ पे डांस वगैरह हुआ, यही तरह डांस भी हुआ था उनके मतलब घर पे आने के बाद, क्योंकि कुछ मतलब इनके यहाँ किसी की डेथ वगैरह हो गई थी, तो उतना हम लोग खुल के इन्जॉय नहीं कर पाए जितना हम लोग सोचे थे ये करेंगे वो करेंगे, तो अक्सर उतना जो सोचो वो होता ही नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे बड़े भाई साहब आई बीन जेठ जी मेरे आ चुके हैं यहाँ पर जयमाल पर, तो आपको तो पता है जो बंधा वंधा होता है, साली वगैरह बांधती हैं, फीता होता, तो यहाँ पर यही कट हो रहा है। तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली मेम्बर पे आप लोग शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी। और ऐसे कल धमाकेदार वीडियो आएगा, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, बाय बाय, टेक केयर।